सो इस आज की वीडियो में जो है कंपैरिजन करने वाले यामा R5M एंड जो है यामा R5 वर्जन 4। आप लोग जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंसेस है। एक तो सबको पता है कि क्विक शिफ्टर आपको इसमें देखने मिलेगा, उसमें नहीं देखने मिलेगा, उसके अलावा क्या कुछ चेंजेस हैं, उन सभी के बारे में जो है इस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट से भी बात करो तो सबसे पहले तो कलर स्कीम आ जाती है कि जो कलर आपको मोटो जी पी एडिशन आपको वर्जन M में मिल रहा है वो जो है आपको वर्जन 4 में नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक सिल्वर कलर है जो कि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो वो भी जो आपको वर्जन 4 में नहीं देखने मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट में KYB जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। इसके सस्पेंशन ये आपको इस वाली में नहीं देखने मिलते, यहाँ पे कोई स्टिकरिंग नहीं देखने मिलेगी, लेकिन सस्पेंशन जो ऑलमोस्ट सेम है उसी कलर में आपको देखने मिलेंगे। सेकंड जो है यहाँ पे आपको ब्रेक कैलिपर्स जो है गोल्डन कलर में देखने मिलते हैं, लेकिन बात करूँ इस वाले मॉडल की तो यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर में देखने मिलेगा। ये जो पूरा पार्ट है ये भी आपको ब्लैक कलर में देखने मिलता है एंड इसमें जो है सिल्वर कलर में। उसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है जो पीछे एग्जॉस्ट दिया है ये जो है आपको सिल्वर मफलर के साथ में देखने को मिलता है एंड ज़्यादातर जो है सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। लाइक यहाँ पे भी जो है पूरा सिल्वर का यूज़ किया गया है, लेकिन बात करूँ इस ब्लू कलर के बारे में तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मफलर देखने मिलेगा, ब्लैक कलर का पूरा जो है यहाँ पे यूज़ देखने मिलेगा आपको, तो वो थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंस लगेगा यहाँ पे। उसके अलावा रियर से बिल्कुल सेम है दोनों ही बाइक्स, ज़्यादा कोई चेंजेज यहाँ पे नहीं किए गए हैं एंड यहाँ पे जो है पूरी ब्लैंक देखने को मिल रही है। R5 वर्जन 4 में कोई बेजिंग वगैरह नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो R5M की आपको देखने को मिलेगी ये जो ऊपर मटेरियल जो यूज़ किया गया है, इसके सीट कवर जो यूज़ किया गया है वो भी आपको डिफरेंट मिलता है लाइक ऐसे एंड इसमें जो है बिल्कुल प्लेन देखने को मिलेगा जैसे वर्जन 3 में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे भी आपको जो है स्मार्ट कनेक्टिविटी जो है देखने को मिल जाएगी, एमो मोटरसाइकिल कनेक्ट फीचर जो कि आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, तो वो फीचर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। साइड से जो है M जो है कुछ ऐसी दिखेगी आपको, कुछ ऐसा लुक देगी M मॉडल एंड जो वर्जन 4 है वो जो आपको कुछ ऐसी लगेगी। तो ये कुछ जो है मेन डिफरेंसेस हो गए। अभी बात कर लेता हूँ जो मेन मतलब जो है एक चेंज है वो आपको इसमें मिलता है नहीं मिलता। लाइक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ट्रैक्शन कंट्रोल हमें जो है M में मिलता है और जो है वर्जन 4 में नहीं मिलता, तो उसके बारे में बता दूँगा। इस ट्रैक्शन कंट्रोल जो है दोनों ही मॉडल्स में देखने मिलेंगे, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है चेक कर सकते हो, यहाँ पे हाँ ये चेक करूँ तो यहाँ पे जो है इस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, सो इसको जो आप ऑफ नहीं कर सकते, तो दोनों ही बाइक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा राइडिंग मोड्स आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिल जाएगा, सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वो भी इस बाइक में भी वर्जन 4 में ट्रैक मोड इसमें भी आपको देखने को मिलता है एंड जो ट्रैक्शन कंट्रोल वो इसमें भी ऑन है, तो दोनों बाइक्स में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा। मेन जो चेंजेस मैंने आपको बता दिए, सबसे मेन जो इसमें क्विक शिफ्टर का है, क्विक शिफ्टर आप इसमें डलवा सकते हो। टीजर में आपने देखा होगा कि इसमें जो हम ऐड करा सकते हैं तो वो आप इसमें ऐड करा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके जो कुछ कॉस्टिंग होगी वो आपका अलग से पे करनी पड़ेगी। सो ये कुछ जो है कंपैरिजन था दोनों ही बाइक्स का। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग जो है 10,000 का डिफरेंस है दोनों बाइक्स में, वो जो है 1,00,000 ये जो ब्लू कलर इसका इसके बारे में बात करूँ तो ये जो है 1,72,000 का एक्स शोरूम है एंड ये जो है 1,78,000 का एक्स शोरूम है। यदि बात करूँ इसके रेड कलर की तो रेड कलर जो है 1,68,000 के करीब जो है एक्स शोरूम पड़ता है। ऑन रोड जो है उन दोनों बाइक्स में फिर आपको 10,000 का डिफरेंस नज़र आएगा। सो ये कुछ जो है इस पूरा टोटल एक कंपैरिजन था दोनों बाइक्स का। बाकी ये कुछ आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो कमेंट कर लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।